तो गूगल पर आपने लिखना है टेलीटाइप। तो यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट लिंक आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, teletype.in के ऊपर। तो इस तरह से आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अगर आप इसका डोमेन अथॉरिटी देखें, डोमेन अथॉरिटी इसका 59 है, स्पैम स्कोर इसका 1% स्पैम स्कोर है। डोमेन अथॉरिटी और स्पैम स्कोर से एक बात तो क्लियर हो गई कि वेबसाइट बिल्कुल क्लीन है। और अगर अब यहाँ से हम इसके सिमिलर वेब पे ट्रैफिक की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है इसके पास रशिया से है, यूक्रेन से है। तो अगर ऐसी कंट्रीज से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा तो आपको पता ही है CPC आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर हम इसके मंथली विजिट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास मंथली विजिट्स जो हैं अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन से 3.6 है एग्जैक्ट नंबर में, बट थोड़ा सा नंबर कम ज़्यादा होता रहता है। तो मिलियंस में इसके पास ट्रैफिक है, तो यहाँ से तो आपकी वेबसाइट की रीच बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर अब आप ये सोचते हैं कि आपको वेबसाइट का नाम पता चल गया है, इसका आपको डोमेन अथॉरिटी स्पैम स्कोर वगैरह का पता चल गया है, तो अब आप इस पर ब्लॉग पोस्ट कर देंगे और अपना बैकलिंक बना लेंगे, आगे आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, तो आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप वीडियो को आगे कंटिन्यू ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आपको टिप एंड ट्रिक्स पता चलेंगे। तब हम स्टार्ट करते हैं पे साइनअप का प्रोसेस। तो टॉप साइड बार पर राइट हैंड साइड पर ज्वाइन का ऑप्शन आपको आ रहा है, ज्वाइन पे आपने क्लिक कर देना है। और अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं, या तो आप ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हैं, या आप यहाँ पे फेसबुक, जीमेल अकाउंट, इन सब से भी आप अपना जो है यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जीमेल अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम यूज़र नेम दे देंगे। इस ब्लॉग पे जब आप अपने ब्लॉग्स पोस्ट करेंगे तो आपके ब्लॉग्स पे व्यूज़ भी आएंगे, लेकिन वो पेमेंट कितना आएगा ये सब चीज़ें मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं की हैं। इन फ्यूचर जब भी मुझे यहाँ से पेमेंट मिलता है या मुझे यहाँ पे एक पेमेंट कोई बनता है, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट करेंगे तो आपका पेमेंट ज़रूर बनेगा, और वो पेमेंट आप कैसे ले सकते हैं इसका प्रोसेस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। साइन इन करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप एक्टिवेट कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मोनेटाइज योर कंटेंट, और अब आपको यहाँ पे एक्टिवेट पे दोबारा से क्लिक कर देना है। और अब आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालिए और यहाँ पे आगे के स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। ये सब तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन सजेस्टेबल यही होगा कि सबसे पहले आप अपने इस प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट डालिए, कंटेंट से आप अपना ट्रैफिक लेकर आइए, और जब ट्रैफिक आने लग जाएगी तो इस ऑप्शन की आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अब यहाँ से आप इसको इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ से किसी भी ऑथर को फॉलो कर सकते हैं। दूसरे ऑथर्स को फॉलो करने का बेनिफिट आपको ये होगा कि वहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि दूसरे ऑथर्स जो हैं वो किस तरह से ब्लॉग पोस्ट करते हैं, किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को वो यूज़ कर रहे हैं, और कैसे उनके पास वहाँ पे व्यूज़ आ रहे हैं। ऑथर को फॉलो करने के बाद अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया है। रिफ़्रेश करने के बाद अब आप देख सकते हैं जो मेरी यहाँ पर फीड बनी है वो फीड मेरी उसी के बेसिस पर बन गई है जिस ऑथर को मैंने फॉलो किया है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पे जो मेरे पास आर्टिकल्स आ रहे हैं वो उसी ऑथर के यहाँ पे मेरे को आर्टिकल शो कर रहा है। तो अब हमें जाना है अपने यहाँ पे सर्च बॉक्स पे। सर्च बॉक्स पे जाके मैंने यहाँ पे कोई भी एक कीवर्ड जो है मैं अपना लिख दूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, टॉप, ब्लॉग्स एंड पोस्ट। जब मैंने यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करती हूँ माय फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कीवर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे जो है पोस्ट दिखनी स्टार्ट हो गई है। मैंने यहाँ पे हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च लिखा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट दिखनी स्टार्ट हो चुकी हैं। अब तो मैं अगर इसको स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर मुझे ये और आर्टिकल्स दिखाता रहेगा। आप जितना मर्जी इसको स्क्रॉल करते रहिए आपको यहाँ पर आर्टिकल्स दिखते रहेंगे। और अब जब मैंने इसको दोबारा से ऊपर की तरफ स्क्रॉल किया और मैंने अपने फर्स्ट आर्टिकल पे क्लिक किया ताकि मैं मुझे आइडिया लग सके किस तरह के आर्टिकल्स यहाँ पे पोस्ट हो रखे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइटल दिया हुआ है, देन इमेज लगी हुई है, और देन यहाँ पे जो है हमारा कॉन्टेंट पोस्ट हो रखा है, यहाँ पर जो है H1 H2 टैग के साथ पूरा आर्टिकल पोस्ट हो रखा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं
इन्होंने वेबसाइट का लिंक भी लगाया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे वेबसाइट पे लैंड हो सकेंगे हम, जो भी इनकी वेबसाइट है। बट आई गेस इनकी जो वेबसाइट है ये इनकी अभी बंद हो चुकी है। जी हाँ, अभी ये वेबसाइट इनकी बंद हो चुकी है। तो बट यहाँ से हमें ये आइडिया लग चुका है कि किस तरह से हमें इस पर जो है ब्लॉग पोस्ट करना है और क्या उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी। अब हम एक बार एक और आर्टिकल ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने टाइटल डाला है, देन यहाँ पे अपना थोड़ा सा कंटेंट ऐड किया, उसके बाद इन्होंने इमेज लगाई है। इमेज का भी इन्होंने ऑल टैग दिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने इमेज का टाइटल भी दिया हुआ है। देन यहाँ पे इन्होंने हेडिंग टैग्स को यूज़ करके देखिए कितनी प्यारी इन्होंने जो है यहाँ पे एक जो ब्लॉग पोस्ट है SEO ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट इन्होंने पोस्ट की हुई है। और अगर मैं इनके यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वेबसाइट भी इनकी ओपन हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अपना एक रिलेटेड आर्टिकल का लिंक शेयर किया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से आप भी यहाँ पे पोस्ट कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके 5 व्यूज़ आ रखे हैं। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है यहाँ पे आर्टिकल पोस्ट करने की। तो चलिए अब मैं आपको जो है उस पर आर्टिकल पोस्ट करके दिखाती हूँ। आप उस पर AI जनरेटेड टूल से भी आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं, या आप जो है अपना जो आपने अपना एक ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है आप उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। अब हम यहाँ पे प्लस आइकन पर आ गए हैं और यहाँ पे अब हमें अपना एक टाइटल पोस्ट कर देना है। तो मैंने अपना ये टाइटल कॉपी किया और यहाँ पे पोस्ट कर दिया। अब आप यहाँ पर जो है H2 हेडिंग टैग, H3 हेडिंग टैग, बुलेट्स, कोट्स, ऑल आउट कोट, डिवाइडर, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इमेजेस, आई फ्रेम, यूट्यूब आइकन, विमियो, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर यहाँ पे अपना जो है ब्लॉग पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से जो है अपना कंटेंट कॉपी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट पेस्ट कर दिया है। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करती हूँ तो आप यहाँ से इसको जो है H2 हेडिंग टैग दे सकते हैं, इनको जो है आप H3 कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ही H3 में है। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो मैं इसको H2 में देना चाहती हूँ, इसको मैंने H2 में कर दिया है। और अगर हम यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहें तो आप यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हैं, आप इसको प्रॉपर इंडेक्स कर सकते हैं। और अगर मैं इस यहाँ का ट्रैफिक अपने इस ब्लॉग पोस्ट पे भेजना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर जो है अपना लिंक लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने अपने टाइटल कॉपी कर लिया है और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। देन यहाँ पे मैं ये लिंक कॉपी कर लूँगी और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इस लिंक ऑप्शन को चूज़ करके यहाँ पे लिंक लगा दूँगी। ये हमारा लिंक यहाँ पे लग चुका है। आप इमेजेस इसमें लगा सकते हैं, जैसे मर्जी आप इस अपनी पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दूँगी। यहाँ पे पब्लिश का जो ऑप्शन है वो इस तरह से बना हुआ है, आप इसको पब्लिश कर देंगे। और अगर आप इसको थोड़ा सा सेव करके रखना चाहते हैं, बाद में पब्लिश करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप अपना कस्टम URL भी बना सकते हैं इस तरह से। आप अपना एक कस्टम URL बना देंगे और यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी भी बना सकते हैं। कैटेगरी बना के आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। कैटेगरी जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दी है SEO की, SEO हमने ये ऐड कर दी और अब हम इसको पब्लिश कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। यहाँ से अगर मैं अपनी इस लिंक पे क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने ब्लॉग पोस्ट पे रीडायरेक्ट हो गई हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।